वक्त कोटपुतली बहरोड बनाम अजमेर के बीच टॉस का सिक्का। टॉस यहां कोटपुतली ने जीता, सो इस मैदान लिया है। खेल शुरू होता हुआ पहला रेड इस वक्त अजमेर की ओर से। अजमेर को पिछले मुकाबले में चूरू के साथ बेहद रोमांचक मैच में एक पॉइंट के मामूली अंतर से हार झेलनी पड़ी थी। आईना बोनस से शुरुआत करते हुए इस वक्त 68वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता इस समय अंडर 14 पीएम श्री महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय रायसिंह नगर अनूपगढ़ की तरणताल से टच प्लस बोनस के साथ खाता खोलता हुआ इस समय कोटपुतली बहरोड। 2-1 का स्कोर और यहां शानदार डिफेंस देखने को मिलता हुआ करतल धवनी के साथ स्वागत किया गया है इस शानदार खेल के मुजाहरे के लिए। तो अजमेर की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं शुरुआती क्षण खेल के। टॉस जीता पहले कोटपुतली बहरोड ने, फिर अच्छी शुरुआत है, 2 पॉइंट के साथ बोनस प्लस टच पॉइंट अर्जित किया था। हालांकि उससे पहले बोनस अजमेर ने अर्जित किया था, मगर यहां इस समय पीछे मुकाबले में। सेफी वापस बगैर किसी हलचल के, और ये देखे थाई होल्ड का शिकार। जितनी तारीफ है उतनी कम है इस शानदार डिफेंस की। दिव्या एंड कंपनी ने, और यहां पकड़े मजबूत हो सकती है। जी हां, अच्छा जवाब दिया है इस वक्त अजमेर ने भी शानदार डिफेंस की बदौलत। दूसरा पॉइंट, 4-2 का स्कोर, रोमांचक होता हुआ मैच, 10-2-10 का मुकाबला। दिव्या कॉर्नर पे, उनके साथ पलक, जबकि यहां पर 12 नंबर में अजमेर। धीरे धीरे दबाव से बाहर निकलने की कोशिश निकिता चली है। निकिता देखते हैं इस रेड से कितने पॉइंट अर्जित करते हैं। बोनस ऑफ है, पहुंच जाएगी लक्ष्य तक, 10 पॉइंट के साथ 5 पे पहुंचा। 5-3 का स्कोर, माफ कीजिए 5-2 का स्कोर। 3 के बड़े थे एंगल होल्ड की कोशिश, मगर गलती ढूंढने में सफल इस समय अजमेर की रेड। रोमांचक मुकाबले एक से बढ़कर एक। 5 के डिफेंस में एक बार फिर, जितनी तारीफ प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आगे बढ़ने की कोशिश में दीपिका, दमदार असरदार चमकदार, 10 पॉइंट लेकर उस पार अपने पाले में। दिव्या कॉर्नर पे, उनके साथ पलक, मध्यांतर में दीपिका और कोमल, अच्छा तालमेल नजर आता हुआ इस समय कोटपुतली बहरोड टीम की अगर बात की जाए तो। निकिता एक बार फिर, अब 4 का डिफेंस, कमजोर, फायदा उठाया, लंबे हाथ आगे बढ़ाए, कंधे के आसपास देखे, बड़ा पॉइंट लेकर वापस लौटी है कोटपुतली बहरोड। निश्चित रूप से एक प्रभावशाली टीम, और यहां देखेगा शानदार तरीके से टेकल करता हुआ, अब ऑल आउट के लिए आगे बढ़ेगा कोटपुतली। इकलो 2 डिफेंस है, सुपर टेकल ऑन है, और पूरा फायदा उठाने की कोशिश, आसानी से टच पॉइंट अर्जित किया। अंतिम बालिका इस वक्त ऑल आउट की कगार पे है, वापसी कतई संभव नहीं। श्रेड से चारों दिशाओं से घेर लिया लीजिए, इसके साथ ही ऑल आउट यहाँ कोटपुतली बहरोड के सामने अजमेर। एक बार फिर से लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए, क्या पहुंच गई हैं? जी हाँ, करतल धवनी के साथ यहाँ स्वागत किया गया है। 2 पॉइंट अर्जित करने में कामयाब, लेकिन बैक टू बैक देखेगा क्या खेल है कोटपुतली बहरोड का, पूरी फॉर्म में, और अजमेर के लिए ये कड़े इम्तिहान से कम नहीं। निकिता फिर से प्रयासरत है, 4 का डिफेंस, एक बार पहले ऑल आउट हो चुका है,
10 पॉइंट लेकर आई है। दूसरा प्रयास किया और स्कोर बढ़ता हुआ 16-3। दबाव में 3 नंबर पहचान संख्या पूरा बहरोड का बॉल वाला इस समय कोटपुतली कड़ा इम्तिहान लेता हुआ अजमेर का। 3 के डिफेंस में सुपर टेकल ऑन, एक बार पहले आउट हो चुका है। 12 अंक की अच्छी खासी बढ़त है और यहाँ सुपर टेकल में फंसते हुए हाथों को नियंत्रित किया। सुपर टेकल से 2 पॉइंट मिलते हुए अजमेर के अंगना में। इधर से जबरदस्त जवाब दिया है, कोच की खुशी का ठिकाना नहीं। पूरी फॉर्म में दीपिका, 3 का डिफेंस है, लक्ष्य तक पहुंची टच पॉइंट लेकर। चेहरे झुके हुए, दो ही खिलाड़ी कोर्ट पे हैं। ये लीजिए बैक टू बैक डिफेंस बाहर गई है, रेडर आउट। अब ऑल आउट के कगार पे सेकेंड टाइम अजमेर, मुश्किल हालात, अग्नि परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंची समय बिताने की चाहत। निजेश के साथ ही ऑल आउट। 5-22 का स्कोर है कोचिंग इस समय कोच के द्वारा। 17 की अच्छी खासी विशाल बढ़त है, साधारण तरीके से खेल को आगे बढ़ाते हैं तो भी जीत तक पहुंच जाएंगे शायद। टाइम आउट के बाद पुनः आईना रेड पे और यहाँ जबरदस्त, देखिए कोच अपनी खुशी को नहीं रोक पा रहे हैं, बहादुर प्रदर्शन। बोनस की ट्राई की गई है, जबरदस्त प्रयास, लगातार बढ़त बनाता हुआ। 23-3 का स्कोर, 20 अंक की विशाल बढ़त। निकिता बोनस लेकर आई है, यानी स्कोर में तब्दीलियां स्वाभाविक हैं। कोटपुतली बहरोड के स्कोर की बात की जाए तो अच्छा नियंत्रण देखने को मिला है डिफेंस की अगर बात की जाए, बेहतरीन कवर, शानदार पुश और उसके सामने झुकता बाज में तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं निकिता ने। निकिता हो, दीपिका हो, पलक हो, कोमल हो, बड़ी रेड यहाँ जबरदस्त, 2-3 पॉइंट मिलने वाले हैं। 27 पे पहुंचता हुआ कोटपुतली जबकि 5 पे है अजमेर। माफी चाहूंगा, इससे पहले शायद 3 बोला गया था बाई मिस्टेक, लेकिन 5 स्कोर है अजमेर का। 27-5-22 अंक की बढ़त कोटपुतली बहरोड के पास। 4 के डिफेंस में और यहाँ फिर से पॉइंट कमाता हुआ ये ताकत नजाकत इस समय कोटपुतली बहरोड की। फर्स्ट हाफ 10-2-10 का मुकाबला और बड़ी बढ़त की ओर, इससे पहले 2 बार ऑल आउट कर चुका, अब तीसरी बार तैयारियां जोरों पे। कैच करने की कोशिश, लक्ष्य तक आसानी से पहुंचे, अंतिम वाली का और इस ऑल आउट के साथ ही वापसी की संभावनाएं खारिज हो जाएंगे। ओहो, चोट लगी है शायद यहां, जरा संभल के, इस प्रकार से डिफेंस नहीं होना चाहिए। इधर करारा जवाब दिया है, बाहर धक्का देकर अजमेर ने भी, 6 पॉइंट अजमेर को, जबकि 33 पे पहुंच चुका है कोटपुतली बहरोड। 33-6-27 अंक की बहुत बड़ी बढ़त। बैक होल्ड देखे यहाँ पे, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, प्रशंसा का पात्र इसमें निकिता देखे डबल रोल में, चाहे वो डिफेंस की बात हो या रेडर की। इसके साथ ही हाफ टाइम का समय, लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, हाफ टाइम का समय अभी भी कुछ सेकंड शेष है।
स्कोर में वृद्धि करता हुआ 34-6 28 अंक की बढ़त आ चुकी है कोटपुतली बहरोड के हथेली में। और उस बढ़त के सामने अब सेकेंड हाफ में अजमेर के लिए वापसी करना टेढ़ी खीर होगा। ये देखिए क्या गजब का टेकल किया चारू खान ने, चित्त किया। 35वां पॉइंट जोड़ दीजिए अब कोटपुतली बहरोड को। हाफ टाइम का समय बिल्कुल नजदीक है, चार का डिफेंस धक्का दिया, देखते हैं रेडर आउट या पहुंच गए। रेडर आउट बिल्कुल सही फैसला। 35-7 28 अंक का बेस गेम की ओर बहुत बड़ा लीड है अलवर के पास और इसीलिए अजमेर अब जूझता हुआ दिखाई दे रहा। 10-2 का मुकाबला लेकिन लगता है समय समाप्ति के करीब है। ये देखिए फिर से वही पुनरावृत्ति, ये खूबसूरती इस मैच में देखने को मिली है। लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश और पहुंच भी गई 2 पॉइंट के साथ बड़ी रेड। अजमेर बेहद दबाव में वापसी की कोशिश लेकिन पिछड़ता हुआ जा रहा कंटिन्यू लगातार। एंगल होल्ड की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंच गई, ये बड़ी रेड हो सकती है 2 से 3 पॉइंट की। 2 पॉइंट अभी फर्स्ट हाफ का खेल ही चल रहा है। चार का डिफेंस है लेकिन आसानी से लक्ष्य तक पहुंचे। एक और बहुमूल्य अंक अलवर के अंगना में। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कोटपुतली बहरोड की बालिकाओं की, बेहद प्रतिभावान छात्राएं शिक्षा के साथ साथ कबड्डी खेल में भी दो दो हाथ दिखाते हुए। फिर से पुश की कोशिश होगी शायद 3 नंबर में दिव्या, लेकिन अच्छा नियंत्रण से कम बार रडर आउट। अब 2 के डिफेंस में एक बार फिर से ऑल आउट की तैयारी, 3 बार पहले ऑल आउट का सामना करना पड़ा है, गलती यहां भी दिखाई दे सकती है। रोकने की कोशिश, लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गई, सुपर टेकल है और दूसरी बार सुपर टेकल से यहां 2 पॉइंट अजमेर को। इसके साथ ही हाफ टाइम के समय स्कोर है कोटपुतली बहरोड 41-41 जबकि अजमेर 11, यानी कि 30 अंक की विशाल बढ़त है। ऐसे में अजमेर का इस मैच में वापस लौटना बेहद मुश्किल है, कहीं ना कहीं कोटपुतली बहरोड यानी अलवर की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में आपको अगले मैच के लिए ले चलते हैं। शुक्रिया।